स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल बजट 2023-24 प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाले हैं। रेल बजट 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में देश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट के लिहाज से रेलवे के पूरे प्लान की जानकारी दी। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से अलग अलग कामों के लिए खर्च की जाने वाली रकम की भी जानकारी शेयर की है। ट्रैक रिन्यूअल के लिए 17,290 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय ने बताया कि अमृतकाल काल के पहले बजट में रेलवे के ट्रैक रिन्यूअल के लिए 17,290 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है। इन पैसों से भारतीय रेल अपने नेटवर्क में इस्तेमाल की जा रही पुरानी पटरियों को बदलकर नई पटरियां बिछाएगा। रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन के लिए 51,510 करोड़ रुपए खर्च। रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन के लिए 51,510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन पैसों से भारतीय रेलवे लोकोमोटिव, यात्री कोच और अन्य रोलिंग स्टॉक का निर्माण करेगी। नई लाइन बिछाने के लिए खर्च किए जाएंगे 39,660 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने भारतीय रेल के लिए जो बजट जारी किया है उनमें से 39,660 करोड़ रुपए नए रेल लाइन को बिछाने में खर्च किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश में नई रेल लाइन को लेकर भी बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। ब्रिज बिछाने के लिए कुल 9,255 करोड़ रुपये आवंटित। रेल ओवर ब्रिज ROB और रेल अंडर ब्रिज RUB के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेल इन पैसों से ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण करेगी। इसके अलावा दूसरे ब्रिज के लिए भी 1,255 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी अलग अलग ब्रिज के निर्माण के लिए कुल 9,255 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लाइन डबल करने के लिए खर्च हो गए 30,739 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय ने बताया कि सरकार द्वारा आवंटित की गई 2.40 लाख करोड़ रुपए में से 30,749 करोड़ रुपए रेल लाइन की डबलिंग के लिए खर्च किए जाएंगे। बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्से से सिंगल लाइन वाले रेल रूट को तेजी से डबल लाइन में बदला जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण को गति देने के लिए मोटी रकम आवंटित की है। गेज बदलने के लिए 4,600 करोड़ रुपए का आवंटन। भारतीय रेल में अभी भी कई जगहों पर पुरानी लाइनें जैसी नैरो गेज और मीटर गेज बिछी हुई है। सरकार ने इन गेज को दूसरे गेज में बदलने के लिए 8,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई इंटरेस्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक और जरूरी बात, दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग न्यू चैनल पर आ जाना, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोबारा से देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदा रहते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू गाइस।